युक्रेन रशिया युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहेत. खरं तर दोन्ही देशांमध्ये तडजोड घडवून आणण्याकरता जगभरातील देश प्रयत्न करतायत, पण यामध्ये अद्याप यश येताना दिसत नाही. युद्धाची शक्यता पाहता शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये गेलेले भारतीय विद्यार्थी, ज्यांच्यामध्ये चिंतेचं वातावरण आहे, काही विद्यार्थी माघारी परतण्याचाही निर्णय घेत आहेत. लोकेश आणि राजकुमार हे दोन विद्यार्थी नुकतेच युक्रेनवरून परतलेत. युक्रेन रशिया दरम्यान तणाव कायम आहे. युद्धाच्या भीतीमुळे शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये गेलेले विद्यार्थी मायदेशी परतू लागलेत. सीमेलगतच्या भागातल्या नागरिकांना इतरत्र हलवण्याचा निर्णय युक्रेननं घेतलाय, त्यामुळे कोणत्याही क्षणी युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता वर्तवली जाते. युक्रेनमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस स्फोटक होऊ लागल्यामुळे आता भारतीय विद्यार्थ्यांनी युक्रेनमधून माघारी परतण्याचा निर्णय घेतलाय. मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इनके अभिभावकों का, जैसे प्रिंसिपल साहब घनश्याम जी मीणा का भी, कि माता पिता ने मजबूत डिसीजन लिया कि बच्चों आप यूक्रेन से भारत आ जाओ, आपका जीवन सुरक्षित है तो सबको जीवन में मिलेगा, जीवन नहीं है तो आगे कहाँ से मिलेगा. अभी भी क्योंकि उहापोह की स्थिति में हजारों भारतीय छात्र वहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासों के दबाव में यूक्रेन में ही है और छुटपुट युद्ध और घटनाएं आक्रमण शुरू हो चुके हैं. मैं जेफ्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन का छात्र हूँ. मैं चौथे ईयर में अध्ययन कर रहा हूँ. मैं अभी वार की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे स्थिति काफ़ी अनसर्टेन है, इस वजह से हमारे पेरेंट्स ने देखते हुए हमें बुला लिया है. युक्रेन मध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. जवळपास 18,000 अधिक भारतीय युक्रेन मध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. युक्रेन भारत दरम्यान विमान उड्डाणाची संख्या कमी असल्यामुळे विमान तिकिटांच्या दरात भरमसाठ वाढ झाली आहे, त्यामुळे मायदेशी परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. हमारे यहाँ पे जितने भी छात्र हैं वो लगभग लगभग हमको लगता है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो लगभग 2000 के आसपास हैं, और उनमें से 50% और 60% आप कह सकते हैं कि लोग जाने की प्लानिंग कर चुके हैं. 20% लोग यहाँ से निकल चुके हैं. अभी फिलहाल 80% यहाँ पे हैं, बाकी 60% लोग जाने की प्लानिंग कर चुके हैं. टिकट्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं. इंडियन एम्बेसी ने या इंडिया ने जो अरेंज कराई है वो 60+ है, 60,000+, जिससे हम जा नहीं सकते हैं. उससे अच्छा हम दूसरे कतर एयरवेज, फ्लाई दुबई या फिर एयर अरबिया से चले जाएं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है. जब हम डबल फेयर पे करके जाएंगे तो क्या ही मतलब है. सेकेंड थिंग ये है मैम कि हम यहाँ से जाने में भी कंफ्यूज हैं, इस वजह से क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं कर रही है कि हमें मतलब क्लासेस ऑनलाइन रहेगी या ऑफलाइन रहेगी. युक्रेन रशिया दरम्यान रोज वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनमध्ये शिक्षणासाठी केलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या पालकांची झोप उडाली आहे. युक्रेनमधील विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं पावलं उचलावीत अशी मागणी पालकांकडून केली जाते आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत.